अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी फॉर विसानी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू बुखारे की चटनी। बहुत ही आसान है, बहुत मज़े की बनती है और ये चटनी आपने यकीनन शादी ब्याह पे खाई होगी और सेम उसी टेस्ट में मैं बना के आपको सिखाऊंगी। ठीक है, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जी व्यूअर्स, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, आलू बुखारा लिया हुआ है, उसको भिगोया हुआ है। 3 से 4 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया है। हम इसको जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ही अच्छा फूलेगा और इसकी लुक उतनी ही अच्छी आएगी। यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स। उसमें मैंने 5 लौंग लिए हैं, 5 इलायची ली है और कुछ साबुत मिर्चें ली हैं, जायफल मैंने लिया है, इसको हम डालेंगे चौथाई साइज़ का, और बादियां का फूल डालेंगे हाफ, तेज़पा 1 स्टिक, ब्लैक पेपर पीसी हुई 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून गरम मसाला। अब मैं इनको साइड पे कर दूंगी और चूल्हे पर रख दूंगी अपने आलू बुखारे को। एक देशकी में कन्वर्ट कर देंगे और इसमें मैं 1.5 kg पानी का ऐड कर दूंगी और बाकी के जो मसाले मैंने आपको दिखाए हैं वो हम इसमें डाल देंगे। साबुत काली मिर्च और गरम मसाला हम इसमें नहीं ऐड करेंगे। अभी मैं बाकी के इन्ग्रीडियंट इसमें ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके तो हम इसे ढांप देंगे और इसे उबलने देंगे। जब ये बॉयल होने लग जाएंगे हम इसका कवर उठा लेंगे, जैसा कि अब बॉयल होने लग गया है और मैंने इसका कवर उठा के आपको दिखा दिया है। अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी शुगर, 1/2 kg मैं इसमें शुगर ऐड कर दूँगी। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हम इसे बॉयल होने देंगे, मज़ीद बॉयल हमने तब तक करना है जब तक ये थिक नहीं हो जाता और इसका पानी खुश नहीं हो जाता, तब तक हमने इसे पकाते रहना है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, चमचा इसमें हलाते जाएं वक्फे से। अब यहाँ पर हमने इस स्टेज पे आके इसको कवर नहीं करना, ऐसे ही इसे पकने देना है। ये देखें अभी इसमें पानी है, अभी थिक नहीं हुआ लेकिन हो रहा है। अब मैं यहाँ पर मुरब्बा ऐड कर दूँगी, 50 ग्राम मेरा मुरब्बा है, कम ज़्यादा कर सकते हैं, शुगर भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। जी अब मैं 4 मग्स ऐड कर दूँगी और साथ ही हम इसमें जामिश्री भी ऐड करेंगे, 3 से 4 टेबलस्पून या 2 से 3 टेबलस्पून। जामिश्री ये है कि हमने इसके टेस्ट के लिए ऐड करना है और इसको कलर देने के लिए ऐड करना है, और जो हमें रेड कलर नज़र आ रहा होता है शादियों पे यही कलर होता है। इसे मिक्स कर देंगे और पकने देंगे। बिल्कुल ये हमारा रेडी होने वाला है, थिक होता जा रहा है और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको पका रहे हैं। यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी काली मिर्च और गरम मसाला जो कि मैंने पहले ऐड नहीं किया था, अब ऐड कर देंगे और इसको पकाते रहेंगे जब तक ये थिक नहीं हो जाता, मतलब गाढ़ा नहीं हो जाता, तो इसको हम पकाते रहेंगे। जैसे ये थिक होता है मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ और इसको फिर हम डिश आउट करके दिखाएँगे। जी व्यूअर्स, ये हमारा पक रहा है, तो जैसे ही ये पक जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फ़ाइनल लुक। और आलू बुखारा मेरा 1/2 kg था, स्टार्ट में मैंने आपको बताया नहीं, बताना भूल गई थी, 1/2 kg आलू बुखारा है। ठीक है, यहाँ पर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है और देखें लुक बहुत ही मज़े की नज़र आ रही है, बहुत ब्यूटीफुल और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। इसको करेंगे डिश आउट और दिखाएँगे इसकी फ़ाइनल लुक आपको। आई होप सो व्यूअर्स कि आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।